नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और मुखर्जी नगर के हमने आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। आज हमारे साथ में एक दोस्त हैं, इनका नाम है नसीब हुड्डा। एसएससी सीजीएल 2020 में इनका 34 रैंक है। इन्होंने कहाँ से और कब क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहाँ से इनकी तैयारी की शुरुआत हुई थी, इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई नसीब भाई। ये बताइए, आपने कब, कहाँ से, कैसे तैयारी की शुरुआत की थी? ये मैं जो है कॉलेज के बाद से मेरी टीसीएस में जॉब लग गई थी। उसके बाद मैं अपनी सेल्फ स्टडी करके तैयारी करता था, तो फिर मेरी रेलवे में जॉब लग गई थी। उसके बाद मैंने वहाँ से रिजाइन दे दिया। फिर मैंने सोचा थोड़ा ज्वाइनिंग में टाइम था, 5-6 महीने लग रहे थे कि लग जाएंगे, तो मैंने सोचा थोड़ी दूसरे पेपर की तैयारी कर लेते हैं। तो घर पर शादी का माहौल चल रहा था, भाई की शादी थी तब, तो यहाँ पर ऐसी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो मेरा एक दोस्त है, वो रहता है मुरथल जगह पे, एक शोर 60 का गुरुकुल है, वहाँ पे रहता था। वो बोलता है यार सही पढ़ाई होती है यहाँ पे, एक शेड्यूल बना रहता है, आओगे तो तुम्हारा ये फ़ोन वन की लत ये भी छूट जाएगी, फ़ोन जमा करा लेते हैं वो। तो मैं वहाँ पे रहा था 3-4 महीने, वहाँ रहा तो थोड़ा रूटीन बना अपने सेल्फ स्टडी के लिए। थोड़ा ये होता है ना, एक टाइम मिला तो इसके मैंने किया, मौका था वहाँ पर, लाइब्रेरी भी थी और मॉक टेस्ट देने के लिए कंप्यूटर वगैरह भी थे, तो मैंने दिया। वहाँ से फिर मेरी एलपी की ज्वाइनिंग आ गई, तो मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया। फिर उसमें कोरोना आ गया, उसके बाद यार 1-1.5 महीने में फिर हमें घर जाने के लिए बोल दिया था, हम 1-1.5 साल बैठे रहे। फिर मैंने सोचा यार थोड़ी कोचिंग भी ले लेते हैं, तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी करियरविल से। और कुछ भी गाइडेंस वगैरह चाहिए होती थी तो मैं मेरे दोस्त से पूछ लेता था जो वहाँ पर गुरुकुल में रहता था, और वहाँ पर टीचर भी रहते हैं, उन टीचर से भी मुलाकात हो गई थी जब मैं वहाँ रहता था, तो गाइड कर देते थे कि यार ऐसे कर लो, एक थोड़ा सा अपना रूटीन बना के चलो, एक रूटीन रहेगा तो सही तरह पढ़ाई होगी, थोड़ा सा इफेक्टिव पढ़ पाओगे। और अपने वो है ना, वहाँ पे मॉक टेस्ट देते हैं, एक शेड्यूल सा बना देते हैं कि यार आज तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। जैसे आप घर पे भी रहते हो फिर भी एक शेड्यूल बना के दे देते हैं, आज तुम इंग्लिश का ये पढ़ लेना, GS ये पढ़ लेना, मैथ का ये कर लेना। और अपना ऐसा नहीं कि खुद का ही, वो बोलते थे कि दूसरे का जो भी जहाँ से पढ़ रहे हो अपना मटेरियल है उससे पढ़ते रहो, वो बस टॉपिक बता देते थे कि ये लगभग ये टॉपिक पढ़ लेना, एक शेड्यूल हो जाता है कि फिर उसमें प्लान हो जाता है कि इतने दिन में जाके मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, एक बार ख़त्म होगा उसके बाद दोबारा रिवाइज कर लो। और वहाँ पे आते रहते हैं यार, जैसे बुला लेते हैं वो जो एक्स सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं वहाँ से जाते हैं, जो वो आ जाते हैं, वो बोलते हैं भाई ऐसे कर लो अपने, कहाँ पे आते हैं जो भी अपने डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, CGL में, CPO में, जहाँ से भी जॉब लगती है, अपना वर्क कल्चर बताते हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आदमी थोड़ा मोटिवेटेड रहता है। कहाँ पे हैं वो? वो जो उनका इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आते हैं, और अपने कॉल पे भी बोल देते हैं जो भी तुम्हें मदद चाहिए होती है। ग्रेजुएशन वगैरह आपका कब और कहाँ से कम्प्लीट हुआ था? ग्रेजुएशन मैंने किया था NIT दिल्ली से, 2017 में ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ था। हरियाणा के भी कई हज़ार स्टूडेंट आज आपको देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे 34 रैंक आने के बाद में कैसा फील होता है? अरे बढ़िया है यार, ठीक है, बढ़िया नौकरी मिल जाती है तो बढ़िया ही है। आपको कैसा फील हो रहा है? सही है, इतना ज़्यादा एक्साइट होने वाला मैं से नहीं हूँ यार मैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे या फिर हिंदी मीडियम के, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहते हैं कमेंट में कि पूछना जरूर जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट मिलेंगे। या क्या ही फ़र्क पड़ता है, दोनों में पेपर आता है, इंग्लिश मीडियम में भी आता है, हिंदी मीडियम में भी पेपर आता है, जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें करते रहो। अब जैसे इंग्लिश का उसमें टेस्ट ही होता है, तो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा रीडिंग हैबिट बना लो, न्यूज़पेपर रहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ लो, नॉवल रहती है नॉवल पढ़ दो, मैं तो नॉवल पढ़ता था। हॉबी क्या है, क्या पसंद है आपको? लिखना, गाना गुनगुनाना, दौड़ना, भागना? इस आवाज़ के साथ गाना गुनगुनाना नहीं होता है अपने को, तो खेलना ये पसंद है, खेलना, मूवी वगैरह देखना, यही है। क्रिकेट? कौन सी आपकी पसंदीदा मूवी है? पसंदीदा मूवी यार एक इंग्लिश मूवी है, फॉरेस्ट गम, वो अच्छी लगती है। अच्छा, गुरुकुल का या फिर कहीं और का कुछ ऐसा मोमेंट याद है जो बहुत फनी रहा हो इस तैयारी के बीच में आपके? फनी तो यार वहाँ पे गुरुकुल में रहते हैं वो जब 3-4 महीने रहा अभी, वहाँ पे बहुत सारे बंदे रहते हैं अपने जैसे मिल जाते हैं, एक खाने वहाँ पे शेड्यूल पूरा रहता है, खाने वक्त आते बात बात करते वक्त ऐसे मजे रहते हैं यार, मज़ा भी रहता है, डिसिप्लिन भी रहता है, तो बढ़िया था वहाँ पे। जब 4 दोस्त मिल जाते हैं तो असल बोलना ही जाता है। आप पहले से ही जॉब में थे फिर आपने तैयारी की, क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा यार सोचा कि थोड़ा सा बढ़िया और कर सकते हैं तो ट्राई करना चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने थोड़ा दूसरी जॉब के लिए ट्राई किया। और कुछ आगे करना है या फिर अब यहीं पर ज्वाइन करेंगे? नहीं अब बस ठीक है, बहुत हो गया, 4 साल से पढ़ रहे हैं, 4 साल का था तब से पढ़ रहा हूँ, अब 27 के हो गए, थोड़ा तो रुकना चाहिए कहीं ना कहीं। दोस्तों हमारे साथ में जो नसीब भाई हैं जिनका 34 रैंक है, उनके पिताजी अभी हैं, इनसे ही बात करेंगे। दादाजी आज कैसा फील हो रहा है आपके बच्चे की 34 रैंक आई है? बहुत खुशी हो रही है जी। ऐसा है मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ
अरे मैं तो आर्मी में था, इसकी मम्मी ने बहुत कोशिश करी, पढ़ाई की ध्यान दिया, उसकी मन्नत है इसकी मम्मी की सारी, बहुत उकरिया इसने। अरे गांव का रहने वाला हूँ, फिर भी इसने बच्चे पढ़ाए हैं। अरे ये देखो पहले क्या था, इसने TCS कंपनी ले गई थी, फिर उन्हें पढ़ता पढ़ने इसने लोको पायलट नौकरी मिल गई, वह छोड़ दी। अभी लोको पायलट की या फलतू मिल गई ये छोड़ दी, इवे इसमें आ गया एक्साइज में एक्सपेक्टर में। तो मैं तो बुढ़ा बच्चा का वो मानता हूँ, और मैं ये कहता हूँ भाई इस अकेडमी में पढ़ाओ, और 5-4 महीने ये मेरा बच्चा रहा है, उड़ा बड़ी सुविधा है, खाने की रहने की पीने की दूध की सारी सुविधा है, बहुत अच्छा साफ सफाई है। मैं तो ये कहूँ भाई जो भी भाई सुनता हो अपने बच्चे को वहाँ दाखिल कराओ। सबसे पहले जब इनका रिजल्ट आया था आपको पता चला था उस टाइम, मतलब बड़ा खुशी होती है जब हमारे बच्चे कामयाब होते हैं, तो आपको मतलब खुशी की जी खुशी के आंसू आ गए थे। आप जॉब ड्यूटी पे ही थे क्या उस टाइम? आप ड्यूटी पे हूँ जी। अच्छा ड्यूटी पे। हाँ जब आए थे मैंने प्रसाद बांट दिया, वो कर दिया, खुशी के ये भी मेरा खुशी की आंसू आ रहे थे आप आ रहे और इससे पलतू पैसा कोई चीज नहीं है जी, धन है औलाद का, मेरी औलाद बढ़िया है और ठीक सेट होगी, और थारी वजह से होगी, तुमने कोचिंग दी, सुविधा दी, रहना सहना दिया, सब कुछ कराया। तो मैं हर भाई से ये कहता हूँ जो मेरी आवाज़ सुनता है भाई इसमें दाखिला कराओ और अपने बच्चे को कामयाब करो। दोस्तों आज हम जो भाई हैं इनके घर पे ही आए थे, तो उनके पिताजी हैं, उनसे भी बात की। आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अगर आपको ऐसा लगता है हम कुछ पूछना भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।